हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडिबला पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 3, गणित की वर्कशीट है क्लास 10th के लिए। टॉपिक है बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण हल और उसका ग्राफीय निदर्शन करना है, यानी हल निकालना सीखना है, ग्राफ बनाना सीखना है। देखिए, किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए आपको ये देखना होता है कि मूल बिंदु केंद्र होता है, मूल बिंदु यानी कि 0, ठीक है, वो केंद्र कहलाता है। और वहां से एक्स अक्ष पर एक्स का मान देखेंगे, फिर वाई एक्स पे वाई का मान देखेंगे, फिर उन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वही आपका आंसर होगा। तो इसको हम करके देखते हैं। ये देखिए उदाहरण है, इसको ग्राफ पे दिखाना है हमें, ठीक है। ए का निर्देशांक है 2 और 3, तो हम एक्स अक्ष पे देखेंगे, ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पे 2 देखिए, ये 2 है, इसको कहां तक बढ़ाना है, वाई के 3 तक, ये 3। तो 3 लाइन को लेकर आइए, 2 को लेकर आइए, ये एक दूसरे को यहां काट रहे हैं, तो ये ए का निर्देशांक आ गया 2 और 3। ठीक उसी प्रकार से डी का देखिए, -3 और 0 है, यानी पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाई। -3 कहां होगा, यहां पर, ये -3 है। और 0 के मतलब ऊपर 0 तो काउंटिंग यहां है ही नहीं, 0 तो मूल बिंदु है, इसका मतलब ये यही रह जाएगा पॉइंट, डी जो है -3, 0 यही हो। ऐसे ही एफ देखिए, -1 और 2 है, यानी एक्स -1 का है, ये रहा, और वाई 2 है, इसको ऊपर लेके जाइए, कहां तक, वाई 2 तक लेके जाना है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट एफ का आ गया, आप यहां लिख लीजिए -1 और 2। ठीक उसी प्रकार जी का बिंदु भी आप कर लेंगे इसको। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ग्राफ पेपर पे से करना है, पहले तो आप ग्राफ पेपर पे अब देखिए 4 आपके पार्ट है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चतुर्थांश, चौथा हिस्सा है पूरे इसका, चौथा चौथा हिस्सा है। इसमें दोनों पॉजिटिव थे, इसमें एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, इसमें दोनों ही नेगेटिव है एक्स वाई के बिंदु, और इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एंटी क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की विपरीत दिशा में, ना कि क्लॉकवाइज। उदाहरण यहां भी लिया हुआ, इसको भी आप देखिए, ए का मान 3 और -1 है, यानी एक्स का 3 है, ये रहा 3, और वाई -1 है, तो इसको हम -1 की लाइन x1 और y दोनों जगह से खींचेंगे, 3 और -1 बिंदु, तो हमारा ये a आ जाएगा निर्देशांक 3 और -1। अब b मान लीजिए -5 और 0 को दिखाना है, x का -5 है, यहाँ आ गया 1, 2, 3, 4, 5, ये है, ठीक है। अब ये 0 दिखा रहा है, इसका मतलब ये आगे तो ऊपर ना ऊपर जा सकता है, डिस्टेंस कर सकता है ना ही नीचे, ठीक है, 0 वैसे भी यहाँ पे है, तो ये b का पॉइंट आ गया -5 और 0। ऐसे c का दिखा सकते, 3 और 4.5, चलिए देखते हैं करके। x 3 है, ये रहा 3 का पॉइंट, और y 4.5, यानी 1, 2, 3, 4 और 5 के बीचों बीच ये वाला है, इसको लेकर आइए सीधा, सीधी लाइन, 3 को भी सीधे ऊपर लेके जाइए, एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे, यहाँ काट, बहुत मोटा बिंदु नहीं बनाना है, तो मैं आपके लिए बना रही हूँ, 3 और 4.5 आप यहाँ लिख देंगे, और इसका जो नाम है वो भी लिखेंगे। उसी तरह से आप डी ई को भी ग्राफ में दर्शाइएगा, ठीक है, वैसे दर्शाया हुआ है लेकिन आपको ग्राफ ऊपर पे दर्शाना है। अब मेन बात आती है कि हम रैखिक समीकरण देख रहे हैं, एक्स और वाई देख रहे हैं बार बार, तो हम ये देख रहे हैं कि रैखिक समीकरण के जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, है कि नहीं, बहुत सारे हल होते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, ए और बी शून्य नहीं होने चाहिए, ना तो ए 0 हो ना ही बी 0 हो, कि सी 0 हो सकता है। तो हमारे पास ए एक्स जमा बी वाई जमा सी एक रेखा के लिए इक्वेशन बन जाएगी, समीकरण, और ये कहलाती है दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। दो चर इसके अंदर एक्स और वाई है, घात एक ही है दोनों की, एक्स की भी और वाई की भी, इसलिए वो रैखिक कहलाता है। और यहां पर ए और बी उसके गुणांक है एक्स और वाई के, ए एक्स का गुणांक है और बी वाई का गुणांक, सी एक अचर है, अचर मतलब कॉन्स्टेंट, इसका मान नहीं बदलेगा, बिल्कुल वही रहेगा। चलिए उदाहरण देखते हैं, 4x-2y = -5, तो इसकी तुलना हम करेंगे 4x-2y = -5 की ax जमा by = c से,
आप ए बताइए क्या होगा, ए हो गया 4, बी 2 और सी -5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें ये बात समझ में आ गई कि वो बिंदु जिसमें x का निर्देशांक और y का निर्देशांक अगर इस समीकरण को संतुष्ट कर दे तो वो इसका हल कहलाता है। जैसे कि हम ये उदाहरण के द्वारा समझते हैं इस लाइन को, 3x घटा 2y बराबर 1 है ना, तो ये बिंदु दिया हुआ है निर्देशांक, तो हमें ये बताना है कि क्या ये इसका हल है कि नहीं है, 0 माइनस 1 बटा 2। तो हम x 0 और y माइनस 1 बटा 2 रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे 1 आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, इसका मतलब 0 कोमा माइनस 1 बटा 2 इस समीकरण का हल है। ठीक है, नहीं आया होता तो हल नहीं है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको ग्राफ पे दर्शाना है, पी 4 0। देखिए पी ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, पी 4 0 तो ये 4 लिखा हुआ है, वाई 0 ये, तो यही होगा पी 4 0। क्यू है 4 4, यानी एक्स 4 है और वाई भी 4 है, तो इसको सीधी लाइन लेके आइए, ये भी सीधी लाइन स्ट्रेट जाएगी अपर, यहां मिलेंगे तो ये क्यू आ गया 4 4। अब आर है 0 4, मतलब एक्स 0 और वाई 4, तो ये हो गया 0 4। और ये ओ तो है ही, अब ये कह रहा है ओ पी, यानी ओ पी को मिला देना है, पी क्यू क्यू आर और ओ आर को भी, ये दिख रहा है आयत जैसा लेकिन आयत है नहीं, ये पूछ रहा है ये आकृति कौन सी बनेगी, तो ये आकृति वर्ग है। कैसे पता, देखिए ये दूरी 4 है यहाँ से, ये दूरी भी 4 है, ये दूरी भी 4 है, ये दूरी भी 4 ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बताना है कि पता लगाना है कि क्या ये -2 1 इस समीकरण का हल है कि नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब जगह मैं यहां पर सॉल्व कर देती हूं। क्वेश्चन 2 हमारे पास है 2x + 3y बराबर -1, एक्स बराबर -2 और वाई बराबर 1 रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में रखिए 2 - 2 - 3 - 1, तो ये आ गया -4 - 3 - 1, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, हम लिख देंगे हाँ यह समीकरण का हल। सवाल नंबर 3 देखिए, -7 - 2y - 15 का अचर क्या है, तो हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 3 को -7x - 2y - 15 को इधर ले आएंगे। ठीक है, और इसकी तुलना करेंगे, एक मिनट थोड़ा स्क्रॉल डाउन हो जाए, थोड़ी सी जगह बन गई, हम ax + by = c से तुलना करेंगे, तो अचर राशि तो c आ गई ना, c = 15 है, जो पूछा गया है कि अचर क्या है, अचर है c। इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या है, इसके 3 हल निकालने हैं और ग्राफ पे दर्शाने हैं, तो पांचवा क्वेश्चन कर लेते हैं, 2x + 4y = 10 बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि 3 हल चाहिए हमें एक्स और वाई के मान, चलिए हम x = 0 रखते हैं। ठीक है, तो वाई क्या आएगा, देखिए 2 - 0 - 4y है ना, यहाँ 4 कर देती हूँ, y बराबर 10, तो ये 0 हो जाएगा, -4y = 10, y = 10/4, 5/2 आ गया 2.5। जब हमने x 0 रखा तो ये 2.5 आया। अब हम
वाई बराबर जीरो रख लेते हैं रखने पर, ठीक है यहाँ पे लिख दीजिएगा रखने पर। तो अब किसी इक्वेशन में वाई जीरो रखनी है, दो एक्स जमा चार गुना जीरो, तो जीरो से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, दो एक्स जमा जीरो बराबर दस, क्या आंसर आएगा, दो एक्स एक्स बराबर हो जाएगा दस बटा दो यानी कि पांच। तो हमने वाई जीरो रखा तो ये पांच आ। अब कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, एक्स बराबर तीन रखने पर ठीक है, तो ये आ जाएगा दो गुना तीन जमा चार वाई बराबर दस, छ हो जाएगा ये जमा चार वाई बराबर दस, चार वाई बराबर दस बटा छ, ठीक है। तो चार वाई बराबर आ गया चार, वाई बराबर चार बटा चार एक आ गया, ठीक है। जब आपने एक्स तीन रखा तो ये एक आ गया। चलिए इसको ग्राफ पे बनाएंगे, आप बच्चे इसको ग्राफ पेपर में बनाइएगा, और अभी सीधी लाइन नहीं बनी है, इरेज नहीं हो रहा है ना अभी जल्दी से, अब हो गया। एक मिनट बच्चों, ये ग्राफ पेपर पे सीधी लाइन आपको बनानी है, वैसे ग्राफ पेपर पे लाइन आप स्केल्स की मदद से कर सकते हैं। मार्किंग कर लेते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव इक्वल डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। नेगेटिव है नहीं, इसलिए नेगेटिव हम लोग ले ही नहीं रहे, टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, देखिए x 0 है y 2.5 है, यहाँ आएगा, ठीक है x 0 है और y है 2.5। नेक्स्ट है x 5 y 0, तो ये हो गया 5.0, फिर x 3 y 1, 3 को कहाँ तक लेके जाना है 1 तक, ये आ गया। अब ये कह रहा है तीनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन बनाइए जोड़ती हुई, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, नहीं बनेगी तो आपका सवाल गलत। ये बोल रहा है कि ग्राफ के दर्शाओ और मिलान कर दो, सीधी रेखा बनाओ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तब आपको x जमा 2y बराबर 4 का कोई एक हल ज्ञात करना है, कोई एक हल, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। साथ ही आपकी रेगुलर क्लासेस मैथ्स की आपकी स्टार्ट हो रही हैं नए सेशन की, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा हमारे चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि टाइम टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन बच्चों टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।